हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त आयान, आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कुवैत की चार बड़ी अपडेट, वो कौन कौन सा अपडेट होगा सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। साथ ही साथ वीजा के ऊपर दो नया अपडेट है, तो वो क्या अपडेट होगा वो भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं कुवैत की सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले अपडेट के अंदर यह है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बहुत सारी चीजें जो कुवैत के अंदर है खाने के लिए वो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसी के ऊपर ये अपडेट है कि पोलैंड और साथ ही साथ कजाकिस्तान और हंगरी से जो कुवैत के अंदर जो भी बर्ड्स आ रहे थे, मतलब हेन या मुर्गी आप बोल सकते हैं, वो आ रहे थे। और साथ ही साथ जो चिकन या बॉयल चिकन आ रहे थे या फिर अंडे आ रहे थे, उसके अंदर एक H5N1 मतलब एक बर्ड फ्लू आया हुआ है ये तीन देश के अंदर, जिसके वजह से कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से पोलैंड और कजाकिस्तान और साथ ही साथ हंगरी से जो भी हेन मतलब मुर्गी आ रहे थे या अंडे आ रहे थे या फिर चिकन आ रहे थे, तो इस तीनों कंट्री को बैन कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि कुछ दिन आप चिकन थोड़ा कम यूज करें, मतलब कम खाएं, क्योंकि चिकन के अंदर बर्ड फ्लू का शिकायत आ रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा कम सेवन करें, कम यूज करें चिकन का अभी कुछ टाइम के लिए। ओके, तो चलिए बात करते हैं कुवैत की दूसरी अपडेट के बारे में। तो दूसरी अपडेट के अंदर यह है कि जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो के अंदर बताया है कि कुवैत प्लान कर रहा है मेट्रो प्रोजेक्ट बनाने का कुवैत के अंदर, और ये जो प्लान है कुवैत का 2016 से ही है, और 16 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट जितना भी डिपार्टमेंट है कुवैत का सबने अप्रूवल दे दिया है। साथ ही साथ 28 तारीख को मतलब 28 नवंबर को कुवैत म्युनिसिपैलिटी ने भी अप्रूवल दे दिया है। साथ ही साथ जितना भी लाइन है मेट्रो का वो सारा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मतलब 4 टाइप का लाइन रहेगा, रेड ब्लू येलो और ग्रीन। और ये मैं आपको बता दूं पूरा मैप तैयार करके अब जो कुवैत के डॉक्टर जनरल इंजीनियर अहमद अल वनौफी ने कहा है कि मैप जो है जितना भी डिपार्टमेंट है कुवैत के अंदर सारा डिपार्टमेंट जल्दी से अप्रूवल दे दे और कुवैत मेट्रो का काम जल्दी से चालू किया जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 साल से ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ है और इस काम को देरी न किया जाए और कुवैत गवर्नमेंट इसको जल्दी से अप्रूवल करे और जल्दी से कुवैत के अंदर मेट्रो को चालू किया जाए। तो इंशाल्लाह जल्द ही कुवैत के अंदर मेट्रो चालू होगा और मैं तो बहुत ज्यादा बेसब्री से वेट कर रहा हूँ कि कुवैत के अंदर मेट्रो कब आ जाए। और आप वेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो चलिए बात करते हैं कुवैत की तीसरी अपडेट के बारे में। तो तीसरी अपडेट के अंदर यह है कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि कुवैत का वीजा जो 53 कंट्री के लिए चालू किया गया था, मतलब 53 कंट्री के लिए चालू किया गया था टूरिस्ट वीजा, तो ये जितने भी 53 कंट्री है अब इनको वीजा लेना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा ओमिक्रोन वायरस की वजह से। कुवैत पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर ने ये प्लान किया है कि जितना भी टूरिस्ट है मतलब टूरिस्ट को अभी रोका जाएगा कुछ टाइम के लिए, और खासकर उन लोगों को वीजा नहीं दिया जाएगा जो, तो ये जितने भी 53 कंट्री है अब इनको वीजा लेना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा ओमिक्रोन वायरस की वजह से। कुवैत पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर ने ये प्लान किया है कि जितना भी टूरिस्ट है मतलब टूरिस्ट को अभी रोका जाएगा कुछ टाइम के लिए, और खासकर उन लोगों को वीजा नहीं दिया जाएगा जो लोग ऐसी कंट्री में है मतलब 53 कंट्री के अंदर ऐसी कंट्री में है जहाँ पे उनके जो आसपास जो कंट्री है मतलब उसके जो नेबर कंट्री है पड़ोसी कंट्री है किसी भी टाइप का पड़ोसी कंट्री के अंदर भी ओमिक्रोन का वायरस होगा तो उनको टूरिस्ट वीजा नहीं दिया जाएगा। जैसे कि अफ्रीका भी 53 कंट्री के अंदर था तो अब इनको टूरिस्ट वीजा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अफ्रीका के अंदर आपको पता ही है कि ओमिक्रोन का वायरस वहां पे मौजूद है। और भी 53 कंट्री के अंदर जिसका टूरिस्ट वीजा चालू कर दिया गया था कुवैत की तरफ से, बहुत सारे कंट्री को वीजा अब नहीं मिलेगा टूरिस्ट वीजा कुवैत में आने के लिए। मैं आपको बता दूं गल्फ की जितनी भी कंट्री है जैसे कुवैत, यूएई, बहरैन, ओमान और साथ ही साथ कतर और सऊदी अरबिया, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आ रहा है ओमिक्रोन के वजह से क्या क्या हाल हो सकता है आने वाले टाइम में, और जो लोग इन कंट्री के अंदर रहते हैं उनको अभी क्या करना चाहिए और जो लोग आने वाले हैं इन कंट्री के अंदर उनको क्या करना चाहिए। ऑलमोस्ट मैं बहुत टाइम से आप लोगों को गाइडलाइन करते आ रहा हूं ट्रैवलिंग के ऊपर, तो आने वाला जो वीडियो होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन सब के लिए जो अरब कंट्री के अंदर रहते हैं, जो गल्फ कंट्री के अंदर रहते हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो ये आने वाला वीडियो अगला यही होगा। तो चलिए बात करते हैं कुवैत की चौथी अपडेट के बारे में। तो चौथी अपडेट के अंदर यह है कि जैसा आप सब लोगों को पता है कि कुवैत के अंदर जो 18 नंबर का वीजा है वो लिमिटेड वीजा है, मतलब किसी किसी को मिलता है, मतलब हर कंपनी को या हर किसी को वीजा नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है अभी कुवैत का 18 नंबर का वर्क वीजा। तो इसके अंदर बहुत बड़ा अपडेट ये है कि जो भी इजिप्ट के लोग हैं, खासकर वो लोग जो कुवैत के अंदर वीजा को खरीदना और बेचने का काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खरीद करना और बेचना दोनों में से जो भी लोग काम करते हैं ये वो एक इलीगल की गिनती में आता है कुवैत के अंदर। और ये जो काम है कुवैत के अंदर बहुत ज्यादा फास्टली काम कर रहा है, मतलब बहुत तेजी से काम कर रहा है, कि जितना भी खरीद और बेच करने वाले लोग हैं, जो 18 वीजा 500-600 केडी के अंदर मिल जाता था या 700 केडी के अंदर में मिल जाता था, उसका अभी 2000 केडी, 1600 केडी या 1800 केडी इतना पैसा चार्ज करते हैं एक वीजा के ऊपर जो भी खरीद बेच करते हैं कुवैत के अंदर। मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको 1000 केडी तक वीजा मिल रहा है 18 नंबर का वीजा तो आप ले सकते हैं, अगर उससे ज्यादा का मिल रहा है तो आप बिल्कुल भी ना लें। तो इसी पे एक ब्रोकर को पकड़ा गया है कुवैत के अंदर जो कुवैत में वीजा बेचने का काम कर रहे थे कुवैत के अंदर। आपको मैं बता दूं 20 नंबर का वीजा वो भी चालू है, और साथ ही साथ जो फैमिली
स्टडी वीजा है वो भी वीजा चालू है, तो किसी को भी वीजा चाहिए, फैमिली वीजा या फिर 20 नंबर वीजा, तो वो ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको एक महीने के अंदर में आपका वीजा मिल जाएगा, पूरा फुल प्रोसेस एक महीना लगेगा। ओके, तो ये था क्वेट का 4 इंपोर्टेंट अपडेट। आपको कौन सा अपडेट ज्यादा अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाला जो इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं क्वेट जॉब अपडेट। थैंक यू।